खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीरे आज़म इमरान खान ने कहा कि सियासी जंग जीतेंगे और आइनी महाज पर भी सुरखरू होंगे। जमान पार्क में इमरान खान के ज़ेरे सदारत आइनी और कानूनी माहिरीन का इजलास हुआ। इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली सबतैन खान, वज़ीरे कानून राजा बशारत, एडवोकेट जनरल मोहम्मद अवैस और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने शिरकत की। इजलास में एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने गवर्नर के तलब करदा इजलास की आइनी पोजीशन पर ब्रीफिंग दी और कहा कि गवर्नर का तलब करदा इजलास गैर आइनी है। एडवोकेट जनरल की जानिब से इमरान खान को दी गई ब्रीफिंग में मजीद कहा गया कि पहले से असेंबली इजलास चल रहा है। गवर्नर ने ऐवान इकबाल में जो इजलास तलब किया था वो भी अभी तक चैलेंज हुआ है। इजलास पर इजलास बुलाने की कोई आइनी हैसियत नहीं। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हम सियासी जंगें भी जीतेंगे और आइनी महाज पर भी सुरखरू होंगे। करप्ट टोला इकतदार से चिमटे रहने का हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है।